आज पाकिस्तान सुपर लीग में दो मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच जो है वो कराची किंग्स, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनका है आज मुल्तान सुल्तान से। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम कुछ बात करेंगे जो कल मैच हुआ है, जो कि था लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उसके बारे में। कल पाकिस्तान सुपर लीग का वापस से जब आगाज़ हुआ अबू धाबी में, तो इंतहाई शानदार मैच हुआ इन दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें आखिरी बॉल पर लाहौर की टीम जो है उसने कामयाबी हासिल करी। अगर आप इस मैच को थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें तो हमने कुछ नंबर्स निकाले हैं कि कहां पर इन दोनों टीमों के दरमियान डिफरेंस था। तो एक तो डिफरेंस ये था कि लाहौर की टीम जो है उन्होंने 10 डॉट बॉल्स कम खेली कम्पेयर टू इस्लामाबाद, जिन्होंने 60 डॉट बॉल्स खेली हैं 20 ओवर्स में, जबकि लाहौर की टीम ने 50 खेली। उसी के चलते जब उन्होंने डॉट बॉल्स कम खेली तो 9 सिंगल्स उन्होंने ज़्यादा बनाए। इससे पता लगता है कि जो रोटेटिंग है, जो स्ट्राइक की रोटेशन है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसी में आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो इस्लामाबाद की टीम मात खा गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज के ऊपर रिलाई किया। और अगर लेकिन लाहौर की टीम जो थी, खासतौर पर जब मोहम्मद हफीज़ और सुहेल अख्तर जिस तरह खेल रहे थे, उस दौरान आपको ये देखने में मिलेगा कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंगल्स और डबल्स के ऊपर रिलाई किया, जिससे उनको फ़ायदा भी हुआ। कल का मैच एक इंतहाई लो स्कोरिंग मैच था, और जिसमें जो है वो सिर्फ 143 रन बनाए थे इस्लामाबाद ने, और तकरीबन वो उसको डिफेंड करने में भी कामयाब हो गए थे। लेकिन भला हो राशिद खान का, जिन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया आखिरी ओवर में, 3 लगातार चौके मारकर अपनी टीम को कामयाबी हासिल दिलाई। लेकिन उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि कल जो मैच हुआ है उसमें तकरीबन हर 6ठी या 7वीं बॉल पर एक बाउंड्री लगी है। ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो कराची में हो रहा था, उस वक्त तकरीबन हर 5वीं बॉल के ऊपर एक बाउंड्री लग रही थी। वैसे सुनने में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि आपको लगेगा कि 5 और 7 में सिर्फ 2 बॉल्स का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इसको एक पूरी इनिंग्स के पैरामीटर पर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर कल जिस हिसाब से बाउंड्रीज लगी हैं, अगर उस हिसाब से 20 ओवर्स में सिर्फ 18 बाउंड्रीज लगती हैं, जबकि जो मैचेस कराची में हो रहे थे उसमें हर मैच में तकरीबन औसतन 22 बाउंड्रीज हर इनिंग्स में लग रही थी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आज होने वाला मैच, जो कि कराची और मुल्तान के दरमियान है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब पीएसएल रुका था तो उस वक्त तक जिन दो टीम्स ने सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई थी वो थी कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। हालांकि अगर आप इन दोनों टीमों की टेबल स्टैंडिंग देखें जिस वक्त टूर्नामेंट रुका था, तो एक बहुत बड़ा गैप था। कराची जो थी वो टॉपर्स थे, जबकि मुल्तान जो थे वो 5वें नंबर पर थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप पिछला मैच देखें दोनों टीमों का, जो कि कराची में हुआ था, उसमें कराची की टीम ही कामयाब हुई थी और बाबर आजम ने एक शानदार 90 रन की इनिंग्स खेली थी। इससे ये भी पता लगता है कि कराची की जो डोमिनेंस है वो मुल्तान के ऊपर बरकरार है। 8 मैचों में 5 दफ़ा कामयाबी हासिल कर चुके हैं और सिर्फ 1 दफ़ा नाकामी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुल्तान को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस मैच में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर आजम, जिन्होंने पिछले मैच में 90 रन की शानदार इनिंग खेली थी, उनका रिकॉर्ड T20s में अबू धाबी के अंदर कोई बहुत अच्छा नहीं है। वैसे जो उनकी औसत है वो तकरीबन 45 की है, लेकिन अबू धाबी में जो है वो उनकी औसत गिर के 29 की हो जाती है, और उन्होंने सिर्फ 6 इनिंग्स में 1 हाफ सेंचुरी बनाई है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो एक बहुत वास्ट डिफरेंस है उनका जो रिकॉर्ड है वनडे के अंदर अबू धाबी में, जहां पर उनकी जो है वो 2 सेंचुरीज हैं 9 इनिंग्स में और तकरीबन 53 की एवरेज है। क्योंकि ये मैच आज के दिन का पहला मैच है, तो इधर जो है आपको दिखेगा कि जो ड्यू फैक्टर है वो इतना ज़्यादा इन प्ले नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं शायद जो टीम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करे, शायद उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो, क्योंकि कल हमने जिस तरह देखा कि बाद में जब लाहौर की टीम बैटिंग करने आई थी तो पिच और स्लो हो गई थी, हालांकि इतनी ड्यू थी, तो ड्यू का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। और अगर कल शादाब खान की कैप्टनशिप थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद इस्लामाबाद जो है वो आखिरी ओवर में जीत जाती वो मैच। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट सही नहीं किया, हालांकि उनकी कैप्टनसी ऑन फील्ड बहुत बेहतर थी, लेकिन जब उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट सही नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनको इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा।